उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा और उपद्रव में मरने वालों की संख्या बढ़कर लगभग 36 तक पहुंच गई है। हिंसा में 56 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों समेत 200 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने हिंसा को 2 दिन गुजर जाने के बाद यानी तीसरे दिन लोगों से शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बुधवार को हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक हिंसा मामले में अब तक 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 18 FIR दर्ज की गई हैं। लोगों से बातचीत करने पर लोग कह रहे हैं कि ये सब नेताओं का किया धरा है, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता क्यों ना हो। दोनों ओर से इस बात की भी शिकायत की गई है कि पुलिस को कई बार कॉल करने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं आई। साथ में जो पुलिस थी वो इतनी कम थी कि वो कुछ भी करने में असमर्थ थी। जहां नेताओं को लेकर लोगों में गुस्सा है, वहीं लोग इस बात पर आश्चर्यचकित हैं कि दंगे के वक्त तमाम पार्टियों के नेता आखिर गायब कहां थे, क्यों नहीं कोई दंगे के बीच लोगों को समझाने आया। साथ ही लोगों ने कहा कि नेताओं ने दिल्ली को दंगे की आग में झोंक दिया। इतने लोग मर जाने के बाद और न जाने कितने लोगों के घर उजड़ने के बाद अब तमाम नेता एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, इन्हें शर्म नहीं आती, बिल्कुल बेशर्म हैं ये लोग। लोगों ने कहा कि कुछ नेता ऐसे भी हैं जो इसमें भी अपनी राजनीति चमका रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि तमाम नेता एक जैसे हैं, कोई किसी का नहीं, या यूं कहें कि हम में सब नंगे हैं। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।